एक गांव में अनामिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे थे, इसीलिए गरीबों के प्रति उसका अहंकार भरा तेवर था। अनामिका की नई नई शादी हुई, एक दिन वो सुबह सुबह टीवी देख रही थी। ये देखकर सासुमा कहने लगी, बेटा आज सावन का सोमवार है, पूरा घर साफ करके बाहर रंगोली डाल दो। क्या, मैं जाकर पूरा घर साफ करूंगी और फिर रंगोली डालूंगी? ये सब मैं नहीं कर सकती, इसीलिए मेरे माँ बाप ने इतने दहेज देकर आपके बेटे के साथ शादी नहीं कराई थी, ताकि मैं ये सब काम करूँ। अगर आपको मन है तो आप ही जाकर खुद कर लीजिए। बेटा इसमें क्या गलत है अगर हम खुद का काम खुद ही कर ले? ये सब नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम पैसे फेंकेंगे तो नौकर जाकर मिल ही जाएंगे। हमारे तरह अमीर लोग अगर काम करने लगे तो हमारे सम्मान में असर पड़ेगा। ये कहकर अनामिका कमरे के अंदर चली गई। फिर निर्मला सोचने लगी, ये लड़की अमीर घर में पली बड़ी है, इसीलिए इस लड़की को इतना अहंकार है। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन निर्मला को फोन आया उसके रिश्तेदारों से कि वो घर आ रहे हैं। ठीक उसी वक्त अनामिका बाहर जा रही थी। निर्मला ने उसे रोक कर कहा, बेटा अनामिका आज मेरे मायके से कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम बाहर कहीं मत जाओ, घर पर ही रहो। आपके रिश्तेदार हैं, मेरा मन नहीं है उनसे मिलने का। बेहतर होगा अगर उन गरीब लोगों को हमारे घर में घुसने ना दे तो, और ना ही मैं उन्हें खिलाने पिलाने वाली हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। तुम्हें इतना अहंकार नहीं होना चाहिए अनामिका, हमारे पास पैसे है, कल नहीं भी हो सकते हैं, हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। बंद कीजिए ये भाषणबाजी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है यह सब सुनने का। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो बता दीजिएगा, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गई हूँ। ये कहते हुए वो अपनी कार लेकर बाहर चली गई। बिल्कुल उसी अहंकार के साथ वो गाड़ी सड़क पे भी चला रही थी। देखते ही देखते साइकिल से एक आदमी बीच में आ गया। ये देखकर अनामिका को बहुत गुस्सा आया, वो आगे बढ़कर उस साइकिल वाले को धक्का मार दी और गिरा दी। वो इंसान नीचे गिर गया। तुरंत वो अपने कार से नीचे उतर के कहने लगी, ए, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि किसी अमीर इंसान की गाड़ी सड़क से गुजर रही है? इन साइकिल को ना सरकार को बैन कर देना चाहिए। मैडम ये सड़क आपके बाप का नहीं है जो आप इस तरह से कह रही है। ज्यादा कहोगे तो सीधा पुलिस स्टेशन में डाल दूंगी, समझे? इस तरह से उसने उस आदमी को डराया। वो आदमी डर के मारे साइकिल लेके भाग निकला। इस तरह से वो गरीब लोगों के साथ बर्ताव करती थी, मानो कि अछूत हो। इस तरह वो हमेशा शॉपिंग करती थी और अपने पैसे बर्बाद करती थी। कई दिन ऐसे ही निकल गए। उनके घर में एक नई नौकरानी आई और घर की साफ सफाई करने लगी। सारा घर साफ करने के बाद वो अनामिका के कमरे में गई उस कमरे को साफ करने के लिए। जबकि सुबह हो चुकी थी फिर भी अनामिका सो रही थी। अचानक से वो उठकर बैठ गई। वो नौकरानी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्योंकि वो नौकरानी उसके सामने थी, उसे देखकर अनामिका को बहुत गुस्सा आया और वो जाकर उसे एक जोर से थप्पड़ लगा दी। मुझे मत मारिए मालकिन, आपके सासू माँ ने कहा था घर साफ करने के लिए, मैं तो यहाँ नई नई आई हूँ। कमरे के अंदर आने से पहले पूछना चाहिए था, क्या तुम्हें ये नहीं पता? यही कारण है कि तुम नौकरानी हो, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखना भी मनहूस है। यहाँ से निकलो पहले। इस तरह से वो नौकरानी पे चिल्लाने लगी। उसे बहुत बुरा लगा और वो वहां से चली गई। ये देखकर निर्मला अनामिका के पास आकर कहने लगी, अनामिका तुम्हारा अहंकार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, हर किसी को तुम छोटे नजर से देखती हो, मैंने ही उसे भेजा था तुम्हारे कमरे में। फिर तो आप ही को सुनाना चाहिए था, मुझे बिना पूछे हुए किस तरह से आप किसी नौकर को मेरे कमरे में भेज सकती हैं? अगर तुम सुबह के 10 बजे तक ऐसे ही सोती रहोगी तो क्या करूं उसे कमरे में ना भेजकर? अगर तुम इसी तरह बुरा बर्ताव करती रहोगी तो कोई नौकरानी हमारे घर में काम नहीं करेगी, समझी? इस तरह उसकी सासू माँ ने कहा। अनामिका के दिन ब दिन अहंकार बढ़े जा रहे थे। एक दिन अनामिका अपनी कार चलाकर बहुत तेजी से जा रही थी। एक जगह जहां पर टर्निंग थी उसी जगह गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और जाकर एक पेड़ को टक्कर मार दी। अनामिका का कार का दरवाजा खुल गया और वो नीचे गिर गई। उसे काफी चोट लगी थी
और बहुत खून बह रहा था। क्योंकि उसे होश था, वो कहने लगी, कृपया कोई आकर मुझे बचाओ, बचाओ। इस तरह अनामिका विनती करने लगी सहायता के लिए। जो लोग कार से जा रहे थे, कोई भी उसे सहायता के लिए सामने नहीं आए और उसे छोड़कर चले गए। अनामिका का गला सूख रहा था। हे भगवान, कोई आकर मुझे कृपया बचाओ, वो विनती करने लगी। इस बीच जो मजदूरी करते थे, वो अपना काम खत्म करके वहां से गुजर रहे थे। अनामिका को उस हालत में देखकर वो उसके पास दौड़ के पहुंचे। कृपया मुझे बचाओ, बहुत दुआएं मिलेंगी। इस तरह से वो विनती करने लगी। फिर देर ना करते हुए वो उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि उसका बहुत खून बह चुका है, इसीलिए वो तीनों मजदूर अपना रक्तदान किया अनामिका को। डॉक्टर ने अनामिका की जान बचा ली। ये जानने के बाद निर्मला तुरंत अस्पताल पहुंची। थोड़ी देर के बाद अनामिका को होश आया। निर्मला उसके बगल में ही बैठी थी। सासुमा, डॉक्टर ने क्या कहा? सही वक्त पर वो तीनों मजदूर तुम्हें अस्पताल ले आए और अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाए। क्योंकि डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में, तुम्हारी जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उनका खून तुम्हारे शरीर में डाल दिया। तुम गरीब इंसान को बहुत छोटे नजर से देखती हो ना, पर उन्हें तो ये सब पता ही नहीं था। इस तरह से निर्मला बोलने लगी। अनामिका अपना सर झुका रखी शर्म के मारे। अब मुझे सही शिक्षा मिली है। इतने दिनों तक मैं बहुत गलत थी, सिर्फ अमीरों का सम्मान करके। इंसान के लिए पैसा बड़ा नहीं होना चाहिए, इंसानियत बड़ी होनी चाहिए, ताकि वो सभी को समान नजर से देखे। जिंदगी में फिर कभी भी मैं अहंकार के साथ बर्ताव नहीं करूंगी, बहुत ही नम्रता के साथ उसने कहा। इस तरह शिक्षा मिलने के बाद अनामिका खुद से घर का सारा काम करने लगी और सभी के साथ अच्छे से बर्ताव भी करने लगी। ये देखकर सासू मां बहुत खुश हुई। सीतारामपुर गांव में सावित्री रहती थी। सावित्री बहुत ही अच्छी महिला थी। उसका बेटा किशोर शहर में काम करता था, जो कि गांव से बहुत ही पास था। सावित्री ने अनामिका नाम की एक लड़की से उसकी शादी करा दी। अनामिका बहुत ही घमंडी और बात बात पर लड़ाई करने वाली लड़कियों में से थी। वो बड़ों को कभी सम्मान नहीं करती थी। अनामिका की शादी के बाद वो सावित्री को बिल्कुल श्रद्धा नहीं करती थी, पर सावित्री अनामिका को हमेशा से ही अपनी बेटी की तरह मानती थी। हर काम में वो अनामिका को हाथ बटाती थी, पर अनामिका ये सारी चीजों को नजरअंदाज करती थी और सावित्री को घर की बोझ की तरह समझती थी। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन अनामिका जब टीवी देख रही थी, सावित्री उसके पास आई थोड़ी कमजोर हालत में और फिर आके कहने लगी, बेटा अनामिका, मुझे आज थोड़ी कमजोरी जैसी लग रही है, थोड़ा चावल ला कर दे दो। आपको हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने का, पर आपको खाना खाने के लिए हिम्मत है। मैं सीरियल देख रही हूँ, वहाँ सब रखा हुआ है, जाकर खा लीजिए, समझी? ये सुनकर सावित्री उदास होकर वहाँ से चली गई। इस बुढ़िया औरत के साथ कुछ ऐसा करना होगा ताकि ये घर छोड़ के चली जाए जितनी जल्दी हो सके। फिर मैं और मेरे पति शांति से यहाँ रह सकेंगे। जैसे आज वो ऑफिस से आएंगे, मैं उनसे शहर के बारे में पूछूंगी। इस तरह से वो सोचने लगी। फिर किशोर जब उस रात घर वापस आया, अनामिका अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। ये किशोर ने देखा और पूछने लगा, अरे ऐसा क्या गंभीरता से सोच रही हो, या कुछ कहना चाहती हो, बताओ अनामिका। वो मैं कह रही थी हम शहर जाके रहें। हमें शहर जाके रहने की क्या जरूरत है, जब हमारा खुद का यहाँ घर है, और ये सब छोड़कर हम क्यों जाए शहर? हम सब नहीं जा रहे हैं, आपकी माँ यही रहने वाली है। अगर हम दोनों चले गए, फिर मेरी माँ यहाँ अकेली क्या करेगी? यहाँ पर वो तुम्हारे अच्छे से ख्याल भी रखेगी, इसीलिए उन्हें छोड़ के हमें शहर जाके रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ हमारे साथ रहे, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ उनसे। बंद करो ये सब पागलपन, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम यहीं पर रहेंगे, समझ आया तुम्हें? उसने चिल्लाकर कहा। ये सुनकर अनामिका की बोलती बंद हो गई और वो कुछ कह ना पाए। दूसरे दिन सुबह जब किशोर अपने ऑफिस के लिए निकल गया, किशोर तो मेरी एक बात नहीं सुन रहे हैं,
मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसे अपने घर से निकालने के लिए, तभी जाकर मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ। दो दिन बीत गए। एक दिन अनामिका और उसकी सासू माँ दोनों कपड़े धो रहे थे। फिर अनामिका मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं जाके उनके सामने मेरे कपड़े रख दूँ धोने के लिए तो वो जरूर नाराज हो जाएंगी और मुझसे लड़ने लगेंगी, फिर हम ये घर छोड़ सकते हैं। ये सोचकर उसने अपने कपड़ों को ले जाकर सावित्री के सामने रख दिया। ये मेरे कपड़े धो दीजिए। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई और काम है तो कर लो। जब सावित्री ने ऐसा जवाब दिया तो वो फिर उससे लड़ नहीं पाई और चली गई। जा, मैंने सोचा था इस बात से कम लड़ेंगी, वो भी नहीं हुआ। ये सोचते सोचते वो चली गई और टीवी देखने लगी। इसी तरह कई दिन निकल गए। अनामिका हर तरह की मुश्किल काम सावित्री से करवाने लगी। फिर भी सावित्री को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो सब कुछ मुस्कुराते हुए करती रही। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन अनामिका उल्टियां करने लगी और पता चला कि वो गर्भवती है। ये बात जब किशोर को पता चला तो वो खुशी से झूम उठा। अरे वाह अनामिका, तुमने तो बड़ी अच्छी खबर सुबह सुबह सुनाई है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे ऑफिस वालों को तो मुंह मीठा कराना बनता है। फिर किशोर ऑफिस के लिए निकल गया। सावित्री भी इस बात से बहुत खुश हुई। बेटा अनामिका, आज के बाद से बहुत संभल के रहना होगा। जितनी खुश तुम रहोगी उतना ही स्वस्थ बच्चा होगा तुम्हारे पेट के अंदर। जब तक आप यहाँ पर रहेंगी मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? क्या आपको थोड़ी भी अकल नहीं है कि दो शादीशुदा जोड़ियों के बीच में नहीं रहना चाहिए? और बड़ी बड़ी बातें। अनामिका की ऐसी बातें सुनके सावित्री बहुत दुखी हो गई। फिर वो कहने लगी, मैं तो बस यही चाहती हूँ तुम और मेरे बेटे हमेशा खुश रहो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ ऐसा ही कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा और हम आराम से रह सकेंगे। उसकी बातों को सुनकर वो काफी दुखी हो गई और अपनी बोरिया बिस्तर बांध ली। पर वो चाहती थी कि किशोर को बताकर फिर वो वहाँ से जाए। तब तक किशोर घर आ ही गया। बेटा किशोर, मैं कुछ दिनों के लिए आश्रम जाकर रहना चाहती हूँ और सेवा करना चाहती हूँ, ये बताने के लिए इंतजार कर रही थी मैं। ये सुनकर किशोर बिल्कुल चौंक गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, फिर अभी कैसे? ऊपर से अनामिका अभी गर्भवती है, ऊपर से आप चली गई तो वो कैसे संभालेगी? जब उसने ऐसा माँ से कहा तो अनामिका जो बगल में खड़ी थी वो कहने लगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। माँ, क्या आपको किसी ने जाने के लिए कहा है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मुझे बस लगा तो मैंने कहा, कोई क्यों कहेगा भला। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है, मैं आपको जाने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। उसकी बातें सुनके सावित्री और कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने अपनी बुढ़िया माँ को रोक ही लिया, नहीं जाने दिया। ऐसा ही सोचने लगी वो। कुछ महीने निकल गए। एक दिन किशोर अनामिका से कहने लगा, अनामिका मैं एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम और माँ ठीक से रहना। डॉक्टर ने कहा है अगले 15 दिनों के अंदर तुम्हारी डिलीवरी होगी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद 2 दिन निकल गए। अनामिका को रात के वक्त हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा और ठीक उसी वक्त बाहर बहुत बारिश हो रही थी। हे भगवान, डॉक्टर ने तो कहा कि अभी भी वक्त है पर मेरा दर्द तो बढ़े जा रहा है, क्या करूं मैं? ये सोचते सोचते उसके दर्द और तेज होने लगे। जब वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सावित्री दौड़ के आई अनामिका के कमरे में और देखा, एक मिनट रुको बेटा, मैं अभी जाकर किसी को बुलाकर लाती हूँ। बारिश में भीगते हुए वो दौड़ के गई पड़ोस के घर में और दरवाजा खटखटाया पर कोई नहीं आया सहायता के लिए। सावित्री समझ नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए। उसने एक ठेले में अनामिका को लेटाया अपनी गोद में उठाकर और उसे कंबल से ढक दिया ताकि बारिश में वो भीग ना जाए, और धक्के मारते हुए उस ठेले को वो अस्पताल ले गई। ये सब देखने के बाद अनामिका को अपनी गलती का एहसास हुआ जो अब तक उसने किया था। तुरंत डॉक्टर ने अनामिका का प्रसव कराया। अनामिका ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। थोड़ी देर के लिए अनामिका को अपनी सारी गलतियां जो उसने की थी वो याद आने लगी और ये सोचकर वो रोने लगी। क्या हो गया अमृता बेटा, क्यों रो रही हो तुम? सासू माँ,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज मैं और मेरा संतान जीवित है सिर्फ आपकी वजह से। मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये सोचना कि आपको घर से दूर भेज देना है, हमें कभी छोड़ के मत जाइएगा। उन बातों को लेकर परेशान मत हो, मैं हमेशा से तुम लोगों की खुशी चाहती थी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा। अनामिका को तब जाकर सावित्री के बड़प्पन का एहसास हुआ। अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए अनामिका खुद को बदल ली और उसके बाद से अनामिका और सावित्री माँ बेटी जैसे रहने लगी।